स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड उसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है। देन हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हमें इसके लिए क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी आज वाले डेरिवेशन में हमें काम में लेना है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने वी के दो फॉर्मूलेज पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से हम जो फॉर्मूला देखते हैं वो क्या होता है? V equals to W upon Q naught। एंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज से हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो क्या है? V equals to KQ upon R। तो दो फॉर्मूले हमने V के लिए डिराइव कर लिए हैं या पढ़ लिए हैं, तो दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। V के लिए V equals to W upon Q naught, एंड सेकेंड है हमारे पास V equals to KQ upon R। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक जो है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी पढ़ चुके हो, आप ये वाला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी पढ़ चुके हो। अब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस हम किस तरह से लेते हैं। मान लो हमने Q1 से लेके Qn तक चार्जेस लिए हैं। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसके अंदर कहां से कहां तक चार्जेस रहेंगे? Q1 से लेके Qn तक हम चार्जेस की काउंटिंग करेंगे, और एक हम लेते हैं टेस्ट चार्ज अगर हमें जरूरत पड़ती है तो ये टेस्ट चार्ज जो Q0 है वो हमने काम में लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था वो किसका था? इलेक्ट्रिक फील्ड का। देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, हमने फोर्स निकाला था वहां अप्लाई किया था। अब फोर्स के लिए तो हम क्या पढ़ते हैं? एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ते हैं। तो Q1 Q2 यानी दो चार्जेस वहां पे जरूरी है लेने। तो हमने क्या किया था, एक टेस्ट चार्ज जो है एज अ रेफरेंस हमने टेस्ट चार्ज वहां पे यूज किया था। तो अगर दो चार्जेस की जरूरत पड़े हमें किसी फॉर्मूले में, तो हमें वहां पे टेस्ट चार्ज जरूरी हो जाता है लेना। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या है, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस में पोटेंशियल निकालने के लिए, तो क्या होगा? यहां पर सिर्फ एक चार्ज है, इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट चार्जेस हमने Q1 से Qn तक लिए हैं सिर्फ वही पॉइंट चार्जेस हमें काम में लेने हैं। तो यहां क्या करना है, एक हमें P पॉइंट लेना है, उस P पॉइंट पर कंप्लीट हमें जो वेक्टर्स है वो देखने हैं, किसके रेस्पेक्ट में? सारे चार्जेस के रेस्पेक्ट में। तो पोजिशन वेक्टर्स हम लिख लेंगे, एक पॉइंट चार्ज हम ले लेंगे, पी पॉइंट ले लेंगे जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है सारे चार्जेस के कारण। देन हमें क्या करना है कि पोटेंशियल जो है उसका एल्जेब्रिक सम निकालना है, वही एल्जेब्रिक सम जो कि सारे चार्जेस के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल देता है, वो क्या होगा? कंप्लीट रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या लिए हैं, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस लिया है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस में हमने Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्जेस लिए हैं। अब क्या होगा, इनके रेस्पेक्ट में जो पोजिशन वेक्टर्स होंगे वो क्या होगा? इसका हमने मान लिया R1P, इसके लिए हमने पोजिशन वेक्टर ले लिया R2P, Q3 के लिए हमने पोजिशन वेक्टर लिया है R3P, और Qn के लिए इसी तरह से क्या हो जाएगा, RnP हो जाएगा। तो हमने यहां पर जो चार्जेस हमने लिए हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस में उनकी बात कर ली है, और क्या होगा कि इनके रेस्पेक्ट में जो P पॉइंट के जो पोजिशन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, R1P, R2P, R3P और अप टू RnP हमने ये पोजिशन वेक्टर्स ले लिए हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, पोजिशन वेक्टर्स। अब क्योंकि हम
यहां पे वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होंगी, इनके वेक्टर्स जो है वो इस तरह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्या होगा, मान लो यहां पर हमने ये पी पॉइंट लिया है, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में, हमें जो भी चार्जेस हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस में लिए हैं उन सभी चार्जेस के कारण पी पोटेंशियल हमें निकालना है। देन क्या करना है, यहां हमने मान लिया क्यू वन चार्ज है, तो यहां क्या होगा, क्यू टू चार्ज होगा, ये क्यू थ्री इसी तरह से हमने ले लिया है, क्यू फोर ले लिया है, इसी तरह से हम अप टू क्यू एन चार्जेस की बात कर लेंगे। अब क्या कर रहे हैं, एक हम ओरिजिन पॉइंट ले रहे हैं यहां पर, ओ क्या है, यहां पर ओरिजिन पॉइंट है, क्योंकि ओरिजिन से ही तो हम वेक्टर पोजीशंस लिखते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो हम लिखते हैं। तो क्या होगा, अगर हम ओरिजिन से इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो वो तो कितना हो जाएगा, आर पी वेक्टर हो जाएगा। दूसरा, ओनली से आर भी लिख सकते हैं, सेकंड इसके लिए हमने जो पोजीशन वेक्टर लिखा है वो कितना है, आर वन पी है, इसके लिए कितना है, आर टू पी है, इसके लिए कितना है, आर थ्री पी है, इसके लिए आर फोर पी। देन क्यू एन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, आर एन पी हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, हम डायग्राम में जितने भी चार्जेस हमने लिए हैं, इनफाइनाइट हमने लिए हैं, उन सभी चार्जेस को हम यहाँ पर नहीं बना सकते, इनके पोजीशन वेक्टर्स नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम इस तरह से डैश डैश में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि Q4 के बाद में हमने अप टू Qn तक चार्जेस लिए हैं और इनके पोजीशन वेक्टर्स इनके साथ साथ रेस्पेक्टिवली हम देख लेते हैं, R1P, R2P, R3P, R4P, then up to RNP। और ये जो O है वो क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमने क्या लिया है, R वेक्टर लिया है, और सभी पे हम क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ओरिजिन से इनकी स्थिति या पोजीशन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर्स है क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी, इस पी पॉइंट के लिए क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी सभी क्यू चार्जेस के लिए। तो पोजीशन वेक्टर्स की हमने डायरेक्शन लिख ली है, पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस बता दिया गया है, और इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, कंप्लीट चार्जेस के लिए पोटेंशियल निकालना है। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी पोटेंशियल, ये जो चार्जेस हैं सभी चार्जेस का इंडिविजुअल हमें पोटेंशियल निकालना होगा। तो अगर Q1 की बात करें, तो Q1 के लिए V1 जो है पोटेंशियल वो किस तरह से निकलेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला इसका पता है, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर हम यूज करते हैं, तो के क्यू अपॉन आर अगर फॉर्मूला हम लिखें तो क्या होगा, ये V1 पोटेंशियल निकल जाएगा के क्यू वन अपॉन आर, ये पोजिशन वेक्टर्स आ जाएगा हमारे पास आर वन पी। तो इसी तरह से हम कंप्लीट जितने भी हमारे पास चार्जेस है सबके लिए हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। देन उसका क्या करना है हमें, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, हमें मालूम है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अब स्केलर क्वांटिटी का जो सम होगा उस सम को हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक सम बोलेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सम निकाल चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसके लिए सम निकाल चुके हैं, और दोनों पर ही हमने इस तरह का जो भी हमने डेरिवेशन किया है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इंटेंसिटी निकाली है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमने फोर्स निकाला है, देन हमने क्या किया है, वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा कि जितने भी हम क्वांटिटीज ले रहे हैं, तो उसके लिए जो भी रिजल्टेंट हमें वैल्यू निकालनी होती है, वहां हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सारी क्वांटिटीज के लिए हम सम अप्लाई करते हैं। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज है तब तो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अब हम जानते हैं कि जो यहाँ पर जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, वो जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्या होगा, उनका जब सम होगा उसके लिए हम क्या कहेंगे, वेक्टर सम ना कहकर उसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग हम इसको बोलते हैं, एल्जेब्रिक सम। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी V1, V2, V3 से लेके Vn तक हम वैल्यूज निकालेंगे, उन सब का लास्ट में हम एल्जेब्रिक सम कर देने वाले हैं, और इस P पॉइंट पर वही एल्जेब्रिक जो सम है वो रिजल्टेंट पोटेंशियल कहलाएगा।
तो करते हैं डेरिवेशन, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स डेरिवेशन देख लेते हैं। Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर वो क्या होगा, V1 होगा। हमने लिख लिया है यहां पर V1। फॉर्मूला हमें मालूम है, KQ अपॉन R लिखते हैं, लेकिन ये किस चार्ज के लिए है, Q1 चार्ज के लिए है। देन हम यहां पर क्या लिख लेंगे, Q1 लिख लेंगे। एंड इसके रेस्पेक्ट में जो पोजिशन वेक्टर काम कर रहा है वो कौन सा है, R1P काम कर रहा है। देन हम यहां ले लेंगे R1P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से Q2 चार्ज के लिए हम पोटेंशियल निकाल लेंगे V2 KQ2 अपॉन R2P, यह सेकंड इक्वेशन हमने ले ली है। इसी तरह से V3 निकाल लेंगे KQ3 अपॉन R3P, इक्वेशन नंबर थर्ड। अप टू अगर हम VN की बात करें तो KQN, ये किसके लिए होगा, VN है तो QN चार्ज के लिए होगा। पोजिशन वेक्टर है वो हमने क्या लिखा है, RNP लिखा है। सेम चल रहा है ये 1P 2P 3P से लेके NP। देन ये इक्वेशन हो गई हमारे पास फोर्थ। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। कौन सा है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हम क्या देखते हैं, सम करते हैं क्वांटिटीज का, क्या करते हैं, सम करते हैं। अगर हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज है, अगर हमारे पास सारी वेक्टर क्वांटिटीज है उसका सम करना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स में देखा था, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज थी तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया एंड दोनों का वेक्टर सम किया। सेम यहां पर हम क्या लेते हैं, पोटेंशियल ले रहे हैं। अब पोटेंशियल हमें मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी है, देन इसका जो सम होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल, वो क्या होगा, V होगा। और ये V है वो जितनी भी हमने क्वांटिटीज ली हैं पोटेंशियल की सभी चार्जेस के रेस्पेक्ट में, उसका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। और यही क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो हमने क्या कर लिया है, V1 V2 V3 अप टू VN, जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है उन सबका क्या कर लेंगे, एल्जेब्रिक सम कर लेंगे। और यही एल्जेब्रिक जो सम है इंडिविजुअल चार्जेस के लिए वो क्या होगा, कंप्लीट क्या होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा P पॉइंट के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे करते हैं हम इसको। तो देखिए V इक्वल्स टू V1 के लिए हम क्या लिखेंगे, KQ1 अपॉन R1P प्लस V2 के लिए लिखेंगे हम KQ2 अपॉन R2P प्लस Q3 के लिए, Q3 जो चार्ज था उसके लिए जो पोटेंशियल था वो लिखेंगे KQ3 अपॉन R3P अप टू N चार्जेस के लिए क्या आ जाएगा, KQN अपॉन RNP। तो ये हमने सारी जो भी इक्वेशन हमने निकाली थी उनका हमने एल्जेब्रिक सम यहां पर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ये के कॉमन आ रहा है। के क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। इसके वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। अब क्या करना है, के को कॉमन लेंगे, Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस Q3 अपॉन R3P प्लस अप टू QN अपॉन RNP। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां पर हमें क्या लगता है कि इक्वेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप में हम इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, हमने K क्या लिया है, कॉमन लिया है, देन हम अगर समीशन अप्लाई करें और हम I एक क्वांटिटी ले, ये कहां से कहां तक ले सकते हैं, हम 1 से N तक ले सकते हैं। तो यहां पर ये जो 1 से N तक जो भी क्वांटिटीज है वो सारे के सारे किसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। और ये क्या है, समीशन है। इसका मतलब क्या है, अगर यहां पे I इक्वल्स टू हम 1 ले तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, देन प्लस हो जाएगी सेकंड टर्म, अगर हम यहां पर I इक्वल्स टू क्या ले, 2 ले। इसी तरह से सारे के सारी जो टर्म्स है हमारी वो इस समीशन के थ्रू यहां पे सम अप है। तो यहां देखो क्या लिख सकते हैं, हमारा जो टर्म है वो किस पोजीशन में है, Q है हमारे पास, डिवाइड में हमारे पास R है, और 1P 2P 3P से लेके NP हमारे पास
क्वांटिटीज है। तो यहां क्या करेंगे हम, ये जो पी है सब में कॉमन आ रहा है, यहां हम पी लिख लेंगे, लेकिन वन टू जो एन है उसकी जगह हम क्या अप्लाई करेंगे, आई अप्लाई करेंगे। उसी तरह से वन से लेके एन तक क्यू के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, आई अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां हम क्या देखते हैं, देखो ये स्टेप लेने का क्या फायदा है कि यहाँ इस स्टेप से हम छोटे स्टेप में इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है वी का, वी के लिए हम क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर लिखते हैं, वही फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर। बस किसके लिए है ये, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ जो आई है वो सिस्टम ऑफ चार्जेस की जितनी भी सारे टर्म्स हैं इन्फिनिटी, उनको बता रहा है, उनको डिनोट कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, देखो ये किस तरह से हम लिख सकते हैं, जो भी सीक्वेंस यहाँ पर है वही सीक्वेंस हम यहाँ पर लिख लेंगे। और क्या करना है, आई एक ऐसी क्वांटिटी लेनी है, साइड में लिख सकते हो आप आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 2 3 अप टू एन क्वांटिटीज है। तो यहाँ पर जब हम वन पुट करेंगे आई की जगह, जब हम वन पुट करेंगे Q1 अपॉन R1P, तो ये कौन सी टर्म आ गई, ये फर्स्ट टर्म आ गई। आई इक्वल्स टू अगर हम टू पुट करें, क्योंकि आई की वैल्यू हम 1 to n ले रहे हैं, जब हम टू पुट करते हैं तो Q2 अपॉन R2P ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई। इसी तरह से 3 4 पुट करके हम जितनी भी सारी टर्म्स इस कंडीशन में हम लिख चुके हैं, वो सारी की सारी टर्म्स जो है वो इस समीशन में आ गई है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा है कि हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए अगर पोटेंशियल निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। हमने Q1 से लेके Qn तक सारे के सारे चार्जेस लिए हैं, यहाँ पर किसी टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं पड़ी है। फॉर्मूला हमारे पास V का क्या है, के क्यू अपॉन आर है। देन हमें क्या करना है, जितने भी सारे चार्जेस हैं उनके लिए उनके पोजिशन वैक्टर्स लिखने हैं, R1P R2P R3P से लेके RnP हमने पोजिशन वैक्टर्स लिख लिए हैं। देन हमें पोटेंशियल निकालना है, तो Q1 से लेके Qn चार्जेस के लिए इंडिविजुअल हम पोटेंशियल्स निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल जो भी हमने निकाले हैं उनका जब हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो वो एल्जेब्रिक सम क्या होगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होगा। एल्जेब्रिक सम जो है, जो जैसे ही निकल गया तो ये जो पोटेंशियल हमारे पास आया है वो क्या होगा, कंप्लीट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा। तो ये डेरिवेशन आपके आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह से डेरिवेशन होगा, बाकी फॉर्मूला तो वही है, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, जो कि हमने पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने यही डेरिवेशन किया था और अब इसको हम अप्लाई किया है हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। तो फॉर्मूला वही रहेगा, टर्म्स बढ़ जाएगी, तो ये टर्म्स फर्स्ट चार्ज के लिए, ये सेकेंड चार्ज के लिए, इसी तरह से ये एन चार्जेस के लिए। तो है तो वही ड्यू टू है, जो पॉइंट चार्ज हमने निकाला था वही पॉइंट चार्जेस हम यहां पर ले रहे हैं Q1 से लेके Qn तक। तो फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल का ये रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ये पढ़िए आप, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।